देखिए, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एक बहुत बड़ी जीत है भारत की। ईयर ऑन ईयर 40-50% ग्रोथ आती है और मंथ ऑन मंथ 2-digit ग्रोथ चलती है। ज्यादातर लोग कैश में डील कर रहे थे, वहां पे जिस तरह से डिजिटल ट्रांजेक्शन, UPI, पेटीएम, ये सब जो हो रहा है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि देश की जो फॉर्मल इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है वो और भी बढ़ेगा। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि इंडियन लोगों की खास बात यह है कि कहीं पे भी जाते हैं वो इंडियन खाना ढूंढ रहे होते हैं और बेस्ट इंडियन फूड इंडिया में ही बनता है। और जब आप इतने सारे गेस्ट को बुला रहे हैं तो आपकी जो कलनरी यानी कि जो खाने पीने की इच्छा होती है वो तो मुझे लगता है कि इंडिया में ही पूरी हो सकती है। और डेस्टिनेशन वाइज तो इंडिया के डेस्टिनेशन, चाहे आप ओशन की तरफ जाएं, चाहे माउंटेन की तरफ जाएं, चाहे सिटी लैंडस्केप में जाएं, ब्यूटीफुल हैं। तो मैं ना सिर्फ समर्थक हूं जबकि मैं अटेंडी भी उन्हीं वेडिंग का होता हूं जो वेड इन इंडिया होती है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे देश में सब लोगों को देश की संस्कृति, देश का खाना पीना, उसका जो सेलिब्रेशन है वो अनपैरल होता है। तो वेड इन इंडिया। सर, पेटीएम बच्चों की जुबान पर है जापान में भी, और किन किन कंट्रीज में जाने का प्लान है आगे? देखिए, अब तो अभी हम एक गिफ्ट सिटी में खड़े हुए हैं जहाँ पे मैं सबसे बढ़िया बात बताना चाहूंगा कि गिफ्ट सिटी इंडिया से दुनिया के लिए होता है। तो एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, एज अ फिनटेक, वी लव व्हाट गिफ्ट सिटी ऑफर्स अस, एन अपॉर्चुनिटी टू गो फ्रॉम गिफ्ट सिटी टू द वर्ल्ड। सो व्हाइल वी आर इन इंडिया एंड जापान, आई वुड रादर वांट टू बी इन गिफ्ट सिटी एंड देन गो टू द वर्ल्ड। सर, पेमेंट बैंक को लेकर RBI का रेगुलेशन आया है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा आप जैसी कंपनीज को? नहीं, आई थिंक RBI की जो गाइडेंसेज आई हैं उनका सबसे अच्छा फायदा यह है कि RBI का कमिटमेंट है पेमेंट्स को बढ़ाने में और डिफरेंट यूज केसेस की विड्थ बढ़ाने में। सो वी आर सीइंग लॉट ऑफ गुड पॉजिटिव डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ लिमिट्स एंड न्यू यूज केसेस, जिससे कि पेमेंट और डिजिटाइज होगा। सर, GDP की ग्रोथ बढ़ रही है, 7.6 इस क्वार्टर में आया है, दुनिया में सबसे तेज है, इससे पेटीएम किस तरीके से देखता है और पेटीएम के ट्रांजेक्शन में कोई बढ़ोतरी हुई है? अमाउंट ऑफ कितने बार ट्रांजेक्शन कितना हुआ? देखिए, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एक बहुत बड़ी जीत है भारत की। और जितना हम रूरल और सेमी अर्बन एरिया में जाते हैं जहां पे ज्यादातर लोग कैश में डील कर रहे थे, वहां पे जिस तरह से डिजिटल ट्रांजेक्शन, UPI, पेटीएम, ये सब जो हो रहा है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि देश की जो फॉर्मल इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है वो और भी बढ़ेगा। तो देश की जब इकोनॉमी बढ़ती है तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बढ़ता है, और फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बढ़ता है तो ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सब कुछ हमारे देश के जो विकास की बात है, जो लास्ट मैन इन द वैल्यू चेन है, जो लास्ट पर्सन होता है, उस तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छी खबर है। कुछ नंबर्स बता सकते हैं कि ट्रांजेक्शन में कितनी बढ़ोतरी हुई, परसेंटेज वाइज? हम तो डिजिटल ट्रांजेक्शंस की बढ़ोतरी का आप यही बात बता सकते हैं कि आप ये मानिए कि ईयर ऑन ईयर 40-50% ग्रोथ आती है और मंथ ऑन मंथ 2-digit ग्रोथ चलती है। और इसके दो कारण रहे हैं, एक तो ये कि लोग ज्यादा डिजिटल होते जाते हैं और एक डिजिटल के अंदर ही लोगों का ट्रस्ट ज्यादा बढ़ता है तो पर ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अपवर्ड ऑफ 50% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। नंबर्स ऑफ अमाउंट में? सर, अमाउंट में तो मतलब मैं पेटीएम के नंबर ही बता सकता हूँ जो हमारे क्वार्टरली डिप्लॉयड है, तो दैट इज द नंबर दैट यू डोंट वांट टू बोर्ड अस।